सो हे गाइस, मैं हूं रोमन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, जिसने भी एजियो भाई की वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ यार आप लोग एक बार एजियो भाई की वीडियो को देखकर आ जाओ, उसके बाद मेरी वीडियो को आप लोग आराम से देख सकते हो। और आज मैं एजियो भाई के वीडियो के अंदर से बताने वाला हूँ कि जो लास्ट वाले सीन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर ड्रीम बॉय आया था, वहाँ पर क्या एजियो भाई डार्क हिमलैंड में थे या फिर नॉर्मल हिमलैंड में, ये चीज़ आप लोग को मैं प्रूफ के साथ बताऊँगा। और आप लोगों ने देखा होगा नुबड़ा जी उस लेविटोरियन के पास अपनी पावर्स क्यों नहीं यूज़ कर रहा था हीरो ब्रेन के सामने। सो आज की वीडियो में आप लोग को ये भी बताऊँगा क्यों यूज़ नहीं कर रहा था, आप लोग को जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर कर दूंगा। सो वीडियो को कम्प्लीट देखो, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, 10 के सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। सो जितने भी बंदे देख रहे हैं प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ ये लोग डार्क हिमलैंड में थे या फिर नॉर्मल हिमलैंड में। सबसे पहले मैं आप लोग को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर एजियो भाई ने खुद बताया कि इन लोग डार्क हिमलैंड में थे। क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो प्लीज? वाओ, एन मौके पे ये बंदा हेल्प ही नहीं करना चाहता मुझे। नो 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 यार, हम लोग कैसे जिंदा रहने वाले हैं? इट्स लाइक अ बैड डार्क हिमलैंड, अजीब अजीब होते जा रहा है। फट जा भाई, फट जा। अरे देवा, वो ओके। सो गाइस, आप लोगों ने देखा एजियो भाई ने खुद बताया कि इन लोग डार्क हिमलैंड में थे, और ये वाला सीन देख सकते हो जब नुबड़ा जी ने अपनी पावर्स यूज़ करके इस जगह को इस तरीके गड्ढा कर दिया था। यहाँ पर यहाँ तक तो सब ठीक था, बट लोग कंफ्यूज तब हुए जब ड्रीम बॉय इस डार्क हिमलैंड के अंदर आया। और क्या उस लेविटोरियन के पास डार्क हिमलैंड में है या फिर नॉर्मल हिमलैंड में है? सो उसका भी प्रूफ मैं आप लोगों को दे देता हूँ। उस वाले सीन के अंदर भी इन लोग डार्क हिमलैंड में थे, और आप लोग को पता होगा डार्क हिमलैंड में तो फॉल डैमेज नहीं पड़ता। तो आप लोग इस क्लिप को देख लो, इसके अंदर एजियो भाई को फॉल डैमेज नहीं पड़ा है। सो गाइस, आप लोग इस वाले सीन के अंदर देख सकते हो जब ड्रीम बॉय का हीरो ब्रेम उसको मार रहा था तो एजियो भाई को देख सकते हो फॉल डैमेज बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा था, मतलब कि आप लोग समझ गए कि ये लोग डार्क हिमलैंड में थे। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि इन लोग डार्क हिमलैंड में है, पर ड्रीम बॉय और हीरो ब्रेम डार्क हिमलैंड में करने क्या आए थे? वो भी इस जगह पे जो उसका नुबड़ा जी का भाई था उसके जगह पे इन लोग क्या करने के आए होंगे, और इन लोग को इस जगह के बारे में पता कैसे चला? इसके ऊपर एक थ्योरी बनती है जो कि है हीरो ब्रेम ने इसे लेकर आया होगा, बट हीरो ब्रेम को इसके बारे में कैसे पता चला? अगर मे भी हो सकता है अगर विजर्ड हीरो ब्रेम से मिला होगा तो विजर्ड ने इसको बता दिया होगा हीरो ब्रेम को, तो ड्रीम बॉय को यहाँ पर लेकर आए होंगे, मे भी हो सकता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या हो सकता है। और आप लोग को मैं बताता हूँ ड्रीम बॉय के सामने इन लोग नुबड़ा जी था वो अपनी पावर्स को यूज़ क्यों नहीं कर रहा था। सो गाइस, मैं आप लोग को अगर बोलूँ कि एजियो भाई की वजह से ही अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर रहा था, सो एजियो भाई ने उसे नुबड़ा जी को बोला था कि अपने भाई के जहाँ पर रहता है वहाँ पर आपको अपनी पावर्स को यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो क्लिप देख लो जिसके अंदर खुद एजियो भाई ने इसे बोला था। मेरे पीछे रहो ना, आपने बताया मुझे यहाँ पे जाना है तो आप आगे आगे मत जाओ, फुकट में लफड़े में पड़ोगे। ऑलरेडी यहाँ पे हमें तोड़ा तोड़ी नहीं करना। इमेजिन करो आपने कुछ पावर भी कर लिया और अपने ही भाई का लेबोरेटरी तोड़ दिया तो कितना लफड़ा हो जाएगा। सो गाइस, आप लोग को पता चल गया होगा कि अपनी पावर्स को क्यों यूज़ नहीं कर रहा था, अपनी लेविटेरियन के पास यूज़ नहीं करना है, एजियो भाई ने खुद उसे बताया था। और एजियो भाई ने तो अपनी मतलब गेस किया था इसको यूज़ नहीं करना है वैसे टाइप था, पर नुबड़ा जी काफ़ी ज़्यादा समझदार बंदा है, देख सकते हो उसने काफ़ी ज़्यादा समझ के वो अपने पावर्स को यूज़ भी नहीं किया, जबकि एजियो भाई उसके बोल रहे थे कि अपनी पावर्स को यूज़ करो। क्या आप लोगों ने इसे नोटिस किया था मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। और आज की वीडियो आप सभी लोग को अच्छी लगी होगी, और लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ही कर ही देना। और आपके पास अगर थ्योरी हो तो कुछ भी थ्योरी वगैरह होंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। बस गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।